आइए आज हम स्टफ्ड इडली बनाएंगे। स्टफ्ड इडली बहुत टेस्टी लगती है और मिनटों में बनाकर हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो इडली की स्टफिंग सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है कुछ मसाले। आधी चम्मच मैंने लिया है नमक, 1/4 चम्मच लिया है गरम मसाला, 1/4 चम्मच ही मैंने ली है हल्दी पाउडर, साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने लिया है हरी मिर्च का पेस्ट। 2 क्यूब्स मैंने चीज़ के लिए हैं। इस तरह से जब हम आलू के साथ चीज़ भी मिक्स करते हैं तो हमारी स्टफिंग बहुत टेस्टी लगती है। साथ ही मैंने यहाँ लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो आइए इडली के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने जो आलू लिए हैं बॉइल्ड, उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें हमारे सभी मसाले मिक्स करेंगे। डाल देते हैं इसमें नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, साथ ही डाल देते हैं गरम मसाला। अब हम डाल देते हैं हरा धनिया। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बाद में हम इसमें चीज़ मिक्स करेंगे। यहाँ पर आलू में हमने सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे हमारी चीज़। जो चीज़ होती है, चीज़ क्यूब्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसे इस तरह से जो हमारे पास छोटा वाला ग्रेटर होता है उसमें ग्रेट करके डालेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सब चीज़ को डाल दिया है। अब इस चीज़ को हम आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू में हम हल्के हाथ से चीज़ को मिक्स करेंगे। इस तरह से मैंने अपने मसाले को 16 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि मेरे सांचे में 16 इडलियाँ बनेगी, इसलिए मैंने इसे इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं अपने मसाले से। अब इसे हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। ये देखिए हाथों में इस तरह से लेकर हाथों में इस तरह से गोल घुमाएंगे और थोड़ा सा फ्लैट करेंगे इस तरह से। जितना बड़ा आपका इडली का सांचा है इतनी बड़ी ही आप इस तरह से छोटी सी टिकिया बना लें। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाई है इस तरह की छोटी छोटी टिकिया। इसी तरह से हम सभी टिकिया को बनाएंगे, फिर हम इसे स्टफ्ड करेंगे हमारी इडली में। इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्टीमर को गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में हमारा थोड़ा बॉईल आने लगा है। अब हम तैयार कर लेते हैं हमारी इडलियाँ। इडली के लिए आप कोई भी बैटर ले सकते हैं। यहाँ पर आज मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, इसलिए आज मैंने रवा लिया है। रवे से बैटर मैंने बनाया है। इस तरह का बैटर हम किस तरह से बना सकते हैं इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया है। इस बैटर में अब हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है उसी का यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत बढ़िया इडली बन जाती है और बहुत अच्छे से फूलती है। आप चाहे तो यहाँ पर इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। जो रेगुलर इडली का बैटर होता है उससे भी इसी तरह से बनाई जा सकती है इडलियाँ। तो हमने यहाँ पर इसमें मिक्स कर दिया है अच्छे से बेकिंग सोडा। अब हम ले लेते हैं हमारी ट्रे, जिसमें हमें इडलियों को सेट करना है। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा इडली का बैटर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए थोड़ा थोड़ा सा बैटर हम पहले नीचे रख देते हैं। इसमें हम हमारी ये जो छोटी छोटी टिकियां हमने बनाकर तैयार की है इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे बैटर के ऊपर। थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसके ऊपर डालकर इसे अच्छे से फिल कर देंगे। ये देखिए हमारी एक ट्रे तैयार हो गई है। हम इसे स्टीम करने के लिए स्टीमर में रख देते हैं। इसी तरह से हम सभी इडलियों को तैयार करेंगे। हमारी इडली को स्टीम होते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। फुल फ्लेम पर ही मैंने इडली को स्टीम किया है। ये देखिए अब हम हमारी इडली को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया से हमारी इडली यहाँ पर हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं।
ये देखिए यहाँ पर हमारी इडलियाँ बनकर तैयार हो गई है। मैंने इन्हें अनमोल्ड कर दिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है हमारी इडली में और बहुत अच्छी और सॉफ्ट हमारी इडली यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है हमारी इडली। आपको कट करके दिखाती हूँ कि इसकी स्टफिंग भी कितनी बढ़िया है। देखिए इस तरह से मैंने स्टफ्ड इडली को कट करके दिखाया है, कितनी बढ़िया स्टफिंग हमारी इडली में आई है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। इस तरह से जब हम इडली बनाते हैं तो हमारी इडलियाँ बहुत टेस्टी लगती है। इडलियों को मैंने सर्व किया है नारियल की चटनी के साथ। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। आप भी अपने किचन में इस तरह से इडली एक बार जरूर से बनाएं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।